हाय, आज हम कंपेयर करेंगे 50mm और 24mm कैनन लेंस। और यह है कैनन लेंस 24mm EFS, जिसमें बिल्कुल ही काफ़ी अच्छा है। और ये मेटल से, इसका माउंट जो है वो मेटल से बना हुआ है। और इसमें ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का बटन है, स्टेबिलाइज बटन नहीं है। और मैक्रो शॉट 0.5 फीट से आप ले सकते हैं। और 2.8 अपर्चर का ये लेंस है। और दूसरी साइड हमारे पास है 50mm लेंस। आप देख सकते हैं दोनों का अपर्चर डिफरेंस। यह है 2.8 वाला STM लेंस और यह 1.8 STM लेंस। सो इसका अपर्चर थोड़ा वाइड है, सो ये लाइट अच्छा कैप्चर करेगा। और इसका माउंट एरिया भी मेटल से बना हुआ है। और इसका भी वन बटन है, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस वाला, स्टेबलाइज बटन नहीं है। और बाकी प्लास्टिक का ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है। और इसको पैनकेक बोलते हैं, क्योंकि छोटा सा साइज है। और इसका जो फोकस वाला रिंग है वो थोड़ा पतला है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फोकस करने में। बट और इसका जो है मैनुअल फोकस करने में इजी होता है, क्योंकि इसका रिंग थोड़ा वाइड है तो अच्छा कैप्चर में आता है। अभी हम कैमरा में फिट करके देखते हैं किसका क्या एडवांटेज है। और ये कैनन 200D मार्क 2 है। और इसमें देख सकते हैं जो रेड और वाइट मार्क है, रेड में आप 50mm लेंस फिट कर सकते हैं उसे रख के। ओके, 50mm लेंस। और ये इसका वाइट है जो मार्क है, उससे आप इसे फिट कर सकते हैं। ये थोड़ा इजीली फिट हो जाता है। और एक कैमरा के ऊपर लगने के बाद थोड़ा मिररलेस कैमरे से लगता है, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत लाइट वेट है, तो आप कहीं पे भी इसको कैरी करके ले सकते हैं। इसका एडवांटेज है। और 50mm लेंस को फिटिंग करने के बाद थोड़ा हैवी लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेंस है। और अभी हम देखते हैं दोनों का फोकस कैसे काम करता है। तो आप जैसे टैप टू फोकस और मैनुअल फोकस करते हैं, वो ऐसे रिंग बाहर निकलता है, जिस पर आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। दोनों में सेम टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, सेम फीचर। तो अभी हम फोटोज़ कंपेयर करते हैं, बाद में वीडियो कंपेयर करेंगे। और पहला फोटो सेम डिस्टेंस, सेम ISO, सेम शटर स्पीड से कैप्चर किया गया था। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। और 24mm बहुत ही वाइड है, और 50mm क्रॉप करके फोटो लाता है। ओके, फोकल लेंथ की वजह से। और 50mm ज़्यादा अच्छा लाइट कैप्चर किया है वाइड अपर्चर की वजह से। सेकंड पिक्चर आप देख सकते हैं, दोनों कंटिन्यूस शॉट पे उठाया गया था, थोड़ा डिस्टेंस उठाया गया था, इसलिए थोड़ा कम ब्लर इफेक्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी 50mm लेंस पे ज़्यादा ब्लर इफेक्ट है बैकग्राउंड में, और 24 में थोड़ा कम है, क्योंकि डिस्टेंस उठा गया था। बट 24mm भी काफ़ी अच्छा ब्लर लाता है जब पास से उठाते हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, थोड़ा पास से उठा गया था, अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर है। और डे लाइट में दोनों लेंस से अच्छा खासा शार्प इमेज आता है, दोनों ही बराबर का दिखते हैं शार्प डे लाइट में। और ये थोड़ा ट्रिकी सिनेरियो है, ये डे और थोड़ा शेडो एरिया है, जिसमें 50mm बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 1.8 एपर्चर की वजह से बहुत ही शार्प इमेज लाया है। और 24mm में थोड़ा सा वाइड है, बट थोड़ा सा स्ट्रगल किया है शार्प लाने में। और ये नाइट में खींचा गया है फोटो 50mm और 24mm। 24mm जो है वो बैकग्राउंड ज़्यादा कैप्चर किया है, 50mm में क्रॉप हो गया है। बट सेम डिस्टेंस से और सेम ISO से ये खींचा गया था। बट इधर 50mm थोड़ा ब्राइट कैप्चर किया है। और आप 24 में ISO इंक्रीज़ करेंगे और शटर स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिल सकता है, बट शार्पनेस थोड़ा कम हो जाएगा। और इसमें जो है ये क्लोजअप शॉट था, मतलब माइक्रो शॉट था, और 50mm बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड किया है ब्लर। और 24 में बैकग्राउंड ब्लर है, पर इतना नहीं है। और 50mm में ज़्यादा लाइट कैप्चर है 1.8 एपर्चर की वजह से, बट 24 भी अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा बैकग्राउंड लाया है ज़्यादा एरिया। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। और नेक्स्ट हम वीडियो कंपेयर करते हैं। वीडियो ऊपर वाला जो 50mm, नीचे वाला जो 24mm, आप देख सकते हैं 50mm बहुत शेकी आया है। दोनों में मैं वॉक कर रहा हूँ, बट 24 ज़्यादा शेकी नहीं है, क्योंकि 2.8 अपर्चर है, ज़्यादा क्रॉप नहीं करता है इसलिए। और नेक्स्ट वीडियो भी सेम है, ज़्यादा एरिया भी लाया है 24mm, और 50mm बहुत कम एरिया लाया है। लाइट अच्छा है बट कम एरिया लाया है। तो वीडियो के मामले में 24mm काफ़ी अच्छा है। आप अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ और यूट्यूब वीडियो बनाओ तो वीडियो में काफ़ी अच्छा है। और कंक्लूजन ये निकल के आता है, पोर्ट्रेट शॉट लेना है तो 50mm अच्छा है, और लैंडस्केप लेना है और वीडियो लेना है तो 24mm बहुत ही अच्छा है। और 24mm से आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं डिसेंट, बट ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।